आईजी सिंह साहब कहीं नहीं जा रहे। जब कोई पुलिस अफसर सच बोलता है तो उसे हटा दिया जाता है। पुलिस अफसरान को सिंध हुकूमत का गुलाम नहीं बनने देंगे। हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर इल्जामात की बारिश। आईजी सिंध के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान किया। कहते हैं सिंध हुकूमत को अपने गुलाम चाहिए। 2008 से 2013 तक कराची के हालात बहुत खराब थे। बताया जाए सिंध में करप्शन पर एक्शन क्यों नहीं हुआ। पूछना चाहता हूं, 2008 से 2013 तक कराची जलता रहा, 2008 से 2013 तक गैंगवार पलती रही, कराची में आग लगती रही, टारगेट किलिंग्स होती रही, डेली स्कोरिंग होती रही, किसी आईजी को हटाया? निकाल दो एडी खाजा को, वो तो कोर्ट ने ख्याल रखा, इनको तो अपने गुलाम चाहिए। किसी को नहीं हटाया जाता। हटाया किसको जाता है? जब डॉक्टर रिजवान सच बोलता है तो उसको हटा दिया जाता है। पैसे भी नहीं देते हो पुलिस को, सियासत भी पुलिस पे करना चाहते हो, अपने लोगों को बचाना भी चाहते हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, नाम तो फिर अब बोलते हो, आईजी साहब कहीं नहीं जा रहे, इंशाल्लाह आखिरी वक्त तक जाएंगे इनके लिए। हम क्यों नहीं एक्शन लिया? सिंध में करप्शन बढ़ गई, क्यों नहीं एक्शन लिया? हम पुलिस अफसरान को आपका गुलाम नहीं बनने देंगे।